Thank you coming in under short, very short notice. मैं आज आपकी चैनल्स की के थ्रू अपने जम्मू कश्मीर के बाशिंदों को, पूरे मुल्क को आज एक खबर सुनाना चाह रहा था जो सुप्रीम कोर्ट से आज हमारे पास आई है कि 3.5 साल के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सडनली फैसला किया कि जो एक पिटिशन वहाँ पड़ी हुई थी 2019 में, जो अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर वाइस प्रेसिडेंट यानी मैंने मुजफ्फर शाह एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो हमने दायर की थी चैलेंजिंग द अमेंडमेंट फॉर एक्सटेंडिंग द 77th एंड 103rd अमेंडमेंट टू जम्मू एंड कश्मीर. सो आज वो मामला सडनली कल हमको इन्फॉर्मेशन आई कि आज सवेरे सुप्रीम कोर्ट सुनना चाहेगी है. और इसमें हमारी तरफ से फिर इंतज़ाम किया गया और माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर एडवोकेट हैं, लॉयर हैं, सलमान खुर्शीद साहब, वो अपेयर हुए आज. और आज पहली बार 2019 जो एब्रोगेशन आर्टिकल 370 और 35A का हुआ है, इज़ द फर्स्ट टाइम दैट अ पिटिशन हैज़ बीन हर्ड फॉर ऑलमोस्ट 20 मिनट्स. और बड़े विस्तार से डीवाई चंद्रचूड साहब और जस्टिस हिमा कोहली की अदालत में यह सुना गया. और इसमें जो हमने चैलेंज किया था एक्सटेंशन ऑफ अमेंडमेंट्स बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द ग्राउंड कि सेम इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 370(1) and 2 एज इट स्टूड देन इन मार्च 2019 एंड ऑल्सो द 2017 लॉ लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट. इसमें एक जजमेंट दिया उनने इन कृष्ण कुमार केस जिसमें यह कहा गया है कि द प्रेजिडेंशियल पावर टू मेक ऑर्डिनेंस इज वेरी लिमिटेड एंड कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली व्हेन इमीडिएट एक्शन इज रिक्वायर्ड या अगर इमरजेंसी हो मुल्क में कहीं पे. मगर यहां पे उस वक्त 2019 में ऐसी कोई बात नहीं थी. बंद कीजिए अपना फोन. जी आपका है सर. इन केस ऑफ 77th and 103rd अमेंडमेंट देर वॉज नो एमरजेंसी एंड इट वॉज डन विदाउट द कंकरेंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और द स्टेट लेजिस्लेटर. माने ना हमारे पास असेंबली थी उस वक्त, ना इनको पूछा गया असेंबली को ना गवर्नमेंट को. सो आज ये मैटर जो था उसमें हमने ये प्रेस किया दैट द प्रेसिडेंट कुड नॉट हैव पास दीज ऑर्डर्स. उनके पास ये इख्तियार नहीं था टू पास दीज ऑर्डर्स क्योंकि 2019 में नो लेजिस्लेटिव असेंबली एंड कंकरेंस ऑफ द देन गवर्नर श्री सत्यपाल मलिक जो उनने किया था प्रोमल्गेशन करने के लिए, उन्होंने कैनॉट बी ट्रीटेड एज द कॉन्करेंस ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ये मेन मुद्दा था इस एप्लीकेशन का. और उसमें उनने सलमान खुर्शीद साहब ने कोर्ट किया था जो जजमेंट फिर आई थी कृष्ण कुमार के केस के मुताबिक जो फिर सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन की थी. सो आज ये सुनने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि इस एप्लीकेशन को इमीडिएटली दशहरा के बाद सुना जाएगा. जैसे हमारी 370 की एप्लीकेशन थी जो दशहरा के बाद ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस पर डेट देंगे, और अब ये एप्लीकेशन भी दशहरे के बाद ही सुनी जाएगी. मतलब ये निकला है कि आज बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जम्मू कश्मीर के लिए, लद्दाख के लिए, यहाँ के लोगों के लिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अब 370 और 35A के केसेस को फास्ट ट्रैक पे लिया है इनको सही करने के लिए. और आज चूंकि हमारी ये जो हमारी पिटिशन थी ANC की तरफ से 2019 मार्च में लगी थी, इसको हमने बेसिक चैलेंज किया है कि गवर्नर के अख्तियारात क्या हैं, वो प्रेसिडेंट को क्या अख्तियार आगे देते हैं, और फिर प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस किस तरह यहाँ पर डाल सकते हैं जम्मू कश्मीर के लिए. खसूसन ही हैज़ टू हैव द कंकरेंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर जो उस वक्त नहीं था हमारे पास. सो इसमें आपका इट विल हैव अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस. जो आज का मैटर अब
उठाया जाएगा दशहरे के बाद. ऑन द डिसीजन डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑन द जे एंड के रिजर्वेशन एक्ट 2019, उस पर भी डायरेक्ट इसका इफेक्ट आता है. और साथ ही साथ जो रिओर्गनाइजेशन, क्योंकि ये सारा रिओर्गनाइजेशन एक्ट के तहत हुआ है, सो ये इट हैज अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन दैट रिओर्गनाइजेशन जो 2019 में हुआ है. दिस मैटर नाउ 370 एंड 35A इज नाउ ओपनड अप एंड वी एक्सपेक्ट दैट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विल गिव जस्टिस टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे विल इंशाल्लाह. हमें उम्मीद है कि जो ये उन्होंने किया है 2019 5 अगस्त को, दिस विल बी रिवर्स्ड. दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू टुडे.